हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे मंदिर का टूर, साथ ही शेयर करेंगे सारा सामान हमारे मंदिर का कहाँ रखा रहता है, कैसे रखा रहता है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था दोस्तों, हमें थोड़ा टाइम लगे उसके लिए सॉरी, पर दोस्तों अब ये वीडियो आपके सामने है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सबसे ज़रूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने जो है मंदिर एक अलग से बनवा रखा है, जिससे कि पूरा एक रूम बन जाता है मंदिर का। इस तरह से हमने जो है कांच का कैबिनेट बनवा रखा है, और इस तरह से देखिए लाइम येलो कलर के पर्दे हैं जो कि मंदिर को एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक देते हैं। और देखिए हमारे मंदिर का ज़्यादातर जो है टच रेड कलर में है, रेड पर्दे हैं, रेड वॉलपेपर लगवा रखा है, और बीच में जो है मार्बल का मंदिर है। बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। हमें तो ये एरिया घर का सबसे खूबसूरत एरिया है हमारे घर में ये। उसके बाद देखिए, ये है मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आसन, जिस पर हम बैठ के पूजा करते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मंदिर में जो है खिड़की भी है, जिसको हम हवन के टाइम पर कभी कभी वेंटिलेशन के लिए खोल लेते हैं। हमने मंदिर में जो है इस तरह से हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री बांके बिहारी जी, भोले बाबा और जो है खाटू श्याम जी, सभी को जो है इस तरह से हमने तस्वीरें लगा रखी हैं। और ये देखिए कुछ माला हैं दोस्तों, जिनको हमने लूप पर टांग रखा है, जिससे कि कभी कभी तीज त्यौहार आते हैं तो उन पर जप वगैरह करने के लिए हो जाती हैं ये। और ये है दोस्तों एलेक्सा हमारे मंदिर में, ठाकुर जी के भजनों को सुनने के लिए। बहुत ही आनंद लगता है और वातावरण भी घर का बहुत पॉजिटिव रहता है। और ये हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी हैं, ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, तो दोस्तों जय श्री श्याम ज़रूर बोलिएगा। और ये मम्मी के गुरु जी हैं दोस्तों। और ये देखिए, जो हम नवरात्रों में माता का झंडा लगाते हैं, उसके बाद इसको हम मंदिर में लगा लेते हैं, क्योंकि झंडा बहुत शुभ होता है वास्तु के हिसाब से भी। मंदिर के साइड में एक हैंगर है, जिस पर हम ठाकुर जी की टॉवल और उनके जो है रात को ओढ़ने वाली चादरें टांग के रखते हैं। और ये है चवर और व्यजन, ठाकुर जी की आरती सेवा में आता है काम। और ये है माला झोली, जिसमें हम मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल मंत्र जाप का ही महत्व बताया गया है। तो सभी मंत्र जाप ज़रूर किया कीजिए, कम से कम एक माला सभी को ज़रूर करनी चाहिए। और ये है अखंड मंत्र जाप, जिसमें हम कभी कभी चला देते हैं अखंड मंत्र, जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं इसमें तो वो चलते रहते हैं, तो घर का वातावरण भी बहुत शुद्ध लगता है और मन को भी अच्छा लगता है। और ये है हमारी गरुण भगवान, जिसकी आरती सेवा में रखता है। ये है मुख पोछने का रुमाल आचमन, और ये संध्या आरती का दीपक, क्योंकि संध्या आरती का समय होने वाला है। और ये आप दिखाते हैं आपको श्रृंगार ट्रे, क्योंकि श्रृंगार ट्रे हमें डेली लगती है, इसमें जो सामान हम रखे रहते हैं तो वो डेली बड़ा इजीली हमें रखता है, पूजा करने में भी, सेवा करने में भी। और ये है देखिए, अब खस की इत्र, मोगरे की इत्र, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, साथ ही ग्लूटेक है। ये दर्पण से ठाकुर जी का दर्पण सेवा के लिए, इसमें हम खुद नहीं देखते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये है चंदन तिलक, जैसे गोपी चंदन है, पीला चंदन है, और एक स्टिक रखते हैं जिसे ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। और ये हमारे केश, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो बांके बिहारी जी कितने नटखट हैं, आज उन्होंने जो है केश धारण नहीं करे हैं, तो भी देखिए आप। और ये है हमारी किशोरी जी के और केशव जी के नाइट के वस्त्र। ये है डलिया, जिसमें हम भगवान के पुष्प आदि सभी सामग्री इसमें लेके आते हैं, जैसे तुलसी दल है, बेलपत्र है। और अब हम आपको मंदिर दिखाते हैं। सबसे पहले आप दक्षिणावर्ती शंख देखिए, ये भगवान के अभिषेक में पूजा में यूज़ आता है। और ये है सिंदूर, जो माता रानी को लगता है। उसके बाद हम सबसे पहले आपको मंदिर दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आप राधा रमण जी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हमारे शालिग्राम भगवान है, सुदर्शन शालिग्राम। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान, बहुत ही क्यूट से हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही छोटे हैं पर बहुत ही प्यारे हैं, हमने इस तरह से इनको सजा रखा है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, ये हमारी लक्ष्मी नारायण भगवान है। उसके बाद ये माता रानी है, आपने साइड में तस्वीर देखी होगी, वो अष्ट लक्ष्मी माता हैं। और ये आप माता रानी को तो देखा ही होगा, हमने चांदी का मोट गिफ्ट किया था अष्टमी वाले ब्लॉग में, आप देख सकते हैं। ये हमारी नटखट बांके बिहारी जी हैं, देखिए आज कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। ये हैं हमारे केशव जी, इनका तो तिलक दोस्तों कहना ही क्या, ये तो बार बार तिलक गिराते हैं और बार बार हमें सेट करना पड़ता है, पर बहुत ही प्यारे हैं, नटखट हैं। और ये हमारी बहुत सीधी, बहुत लाडली हमारी किशोरी जी, ये है इनका मिट्टी का छोटी झारी, जिसमें हम भगवान के लिए जल रखते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो जो है मिट्टी के बर्तन भी सिद्ध कराए जाते हैं, मतलब भरे जाते हैं भगवान की सेवा में। ये गणपति हैं, गौरी मैया हैं, नंदी बाबा हैं, भोले बाबा हैं, गंगा मैया हैं, और ये है हमारी नवग्रह यंत्र हैं हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी के बगल में जो है हमारे सीताराम भगवान, राम दरबार जो कहते हैं, तो हमारे ये राम दरबार हैं। उसके बाद ये हमारे महंकाल बाबा हैं, जो बहुत लोग पूछते हैं, तो दोस्तों ये हमारे महाकालेश्वर बाबा हैं, जहाँ हमारा गांव है वहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ से हम इनको जो है हमारे एक तरह से कुल देवता कह सकते हैं आप। तो ये हमारे जो है महाकाल बाबा हैं, और उनके नीचे जो है ये यंत्र है महामृत्युंजय। अरे छोटे से गणपति जी आपने देखे ही होंगे नवरात्रि वाले ब्लॉग में। और ये हैं हमारे छोटे राधा गोविंद,
जो आप देख रहे हैं ये 1.5 इंच के हैं, बहुत ही छोटे हैं। जैसे हम कभी जाते हैं बाहर तो हम अपने यही ठाकुर जी को लेके जाते हैं बाहर, क्योंकि हर जगह अपने बड़े वाले ठाकुर जी की सेवा को ले जाना सही नहीं है, और कहीं भी हमें नहीं लेके ऐसे डलियाओं में ले लेके नहीं घूमना चाहिए। आजकल क्या ट्रेंड बना लिया है लोगों ने, पर ये बहुत गलत है, ये सेवा अपराध होता है। और देखिए ये हमारे सूर्य नारायण भगवान हैं, और ये मोरपंखी हैं भगवान के, और ये हैं हमारे मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, गोपीनाथ जी। तो इस प्रकार से हमारे मंदिर में लाइटिंग भी ठीक ठीक सी है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा मंदिर। और ये पर्दा है क्योंकि शंकर जी नीचे बैठे रहते हैं, इसीलिए हमने जो है ये पर्दा हटा रखा है, मतलब एक तरह से बंद कर रखा है, क्योंकि शंकर जी के मंदिर में जो है पर्दा नहीं लगता है कभी भी, इसीलिए कहते हैं भोले बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता है। और ये हमने क्योंकि राधा कृष्ण भी मंदिर में है तो हमने जो है आधा पर्दा लगा देते हैं, जिससे कि राधा कृष्ण जी के लिए पर्दा भी हो जाता है और भोले बाबा के लिए पर्दा भी नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों हमारी बात थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट उसके बाद देखिए ये है हमारे मंदिर का रखने के नीचे थोड़ी सी स्टोरेज, जहाँ पर हम डेली पूजा का सामान रखते हैं, इस डलिया में रखते हैं, और आपको एक एक करके दिखाते हैं सारा सामान। पूजा के सामान के लिए हमने इस तरह की जो है बास्केट ले रखी है, जिसमें सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। तो ये है घी, देसी घी पूजा के लिए। ये हैं बातियाँ, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाली हैं, फिर हम जिसको धोएंगे, फिर उसके बाद फ्रेश बातियाँ बनाएंगे, आगे दिखाएंगे आपको। उसके बाद ये है मिश्री डेले वाली, और ये है धूप बत्ती, और ये है लंबी वाली बातियाँ, और ये है तिली का तेल जिसे हम भगवान के मंदिर में जोत लगाते हैं। उसके बाद ये है फ्रेश चंदन, जो कि भगवान को स्नान में यूज़ आता है, चंदन पाउडर है ये, आपको कहीं भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये हैं बताशे, जो हमारे महंकाल बाबा देखे ना दोस्तों, उनको भोग लगता है रविवार की रविवार। और ये हैं कपूर, शुद्ध भीमसेनी कपूर है। और ये है दोस्तों चौपड़ कहते हैं, जो पूजा का यूज़ आता है सारा सामान, जैसे कि अष्टगंध है, रोली है, काला तेल, सफ़ेद तेल, सिंदूर है, चावल है, तो ये सब नित्य पूजा में यूज़ आता है, क्योंकि शंकर भगवान भी हैं, गणपति जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सभी की पूजा में यूज़ आ जाता है मंदिर में। और इसमें सामान आराम से रखा रहता है, आप देख सकते हैं हमारे मंदिर के अंदर जो है थोड़ा सा स्टोरेज एरिया कम है, पर जो है नित्य पूजा की सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो ये हैं नित्य के हार, जो हम ठाकुर जी को डेली श्रृंगार करते हैं, उनके हार हैं ये, क्योंकि मंदिर में रखते हैं तो ईजी होता है डेली चेंज करना। उसके बाद ये है कुछ पटे, जिसमें हम भगवान को चंदन घिस के लगाते हैं, क्योंकि अब अक्षय तृतीया आने वाली है, ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार होगा, चंदन यात्रा होगी, तो उस पर सेवा कैसे करनी है, चंदन कैसे बनाना है जैसे ठाकुर जी को ठंडक प्रदान हो, सब वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और लास्ट ईयर का अक्षय तृतीया व्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको आनंद आएगा। हमारे चैनल पर जो है काफ़ी सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं दोस्तों, पर आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो मतलब इससे जो है हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये है दोस्तों केसर तिलक, आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हम मोटिवेट रहें वीडियोस बनाने के लिए आगे भी। और ये है बेला की फ्रेग्रेंस इत्र, जो कि हम मंदिर में डालते हैं, इसकी खुशबू बहुत रिफ्रेशिंग होती है और बहुत ठंडा एहसास होता है इसका। और आप दिखाएंगे आपको हमारी किताबों का कलेक्शन, ये छोटा सा ही कलेक्शन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी किताबें हमारे ठाकुर जी से रिलेटेड। सबसे पहले हमारी रामायण, उसके बाद गीता, ये 40 संग्रह है। उसके बाद ये है हमारी खुद की किताब, जो हमने खुद बनाई है, जिसमें है कि हम नित्य पूजा के लिए इस तरह से लिख के मतलब प्रिंट आउट करा के रखा है। ये हमारी देवी की गुणगान है। उसके बाद जो है राधा कृपा कटाक्ष है। ये है गीता, जो बड़ी वाली गीता है, जिसमें मोटे अक्षर हैं। उसके बाद ये हमारी बिहारी 40, जो बांके बिहारी विनय 50 पढ़ते हैं। यह है दैनिक उपासना, जैसे कि जो कृपालु जी महाराज के मंदिर है वहाँ पर जो आरती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए किताब है उनकी। और ये कुछ अन्य किताबें हैं, जैसे कि मदन मोहन जी की, राधा गोविंद देव जी की, जितने भी व्रत आते हैं उन सब की किताब अलग जगह रखी रहती है, तो आप आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। हमने जो है बेला की इत्र भी डाल दी है, और बहुत ही महक रहा है हमारा मंदिर, क्योंकि हमें दोस्तों फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमने काफ़ी जगह जगह फ्रेग्रेंस के सामान रख रखे हैं, जैसे कि अगरबत्ती है, धूप बत्ती है। इन अगरबत्ती में जो है दोस्तों बाम्बू नहीं है, क्योंकि हम वृंदावन से लेके आते हैं, हम हर जगह से नहीं लेते हैं, इसलिए बता दिया आपको पहले, क्योंकि फिर आप लोग ज़रूर हमें पता है कमेंट करेंगे कि भैया आप बैम्बू जलाते हैं, तो भैया हम बैम्बू नहीं जलाते हैं, ये सारी चाइना स्टिक आती है उसकी बनती है ये। और ये हमारे ठाकुर जी का मटका है, जिसमें हम उनके लिए शीतल जल रखे हैं, जिससे कि हम उनको जो है दिन में रात को जो है पानी चेंज कर देते हैं उनका। उसके बाद ये हमारी सारा जो है पूजा का सामान जहाँ पर रखा रहता है, तो ऐसे तरह से जो है ये 6-7 ड्रॉर हैं, कबर्ड कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कॉटन रखी है ऊपर, गंगा जल, यमुना जल, केवड़ा जल, गुलाब जल, मंदिर में बिछाने के सारे कपड़े हैं, छोटी चौकी है, माता की तस्वीर है जो आपने देखा होगा नवरात्रों में। उसके बाद ये हैं कुछ बर्तन, जैसे कि भगवान को भोग लगाने के जल का, और जो है श्रृंगी रखी है, छोटा हवन कुंड रखा है, तो जो भी नित्य की पूजा में यूज़ आने वाले बर्तन हैं वो यहाँ रख रखे हैं,
बाकी के बर्तन अलग जगह रखे रहते हैं। जो बड़े बर्तन हैं त्योहारों पर निकलते हैं। इस वाली ड्रॉर में जो है पूजा का सारा सामान होता है, जैसे रोली, चंदन, चावल, काला तिल, सफ़ेद तिल, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची, जितना भी पूजा का सामान होता है ए टू जेड इसमें रखा रहता है। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है जिसको हम ज़्यादा लेके आते हैं वो हमारा अलग जगह रहता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी पूजा की बत्तियाँ हैं जो हमने आपको दिखाए थे ना कि डिब्बा खाली हो रहा है दोस्तों, तो हमने बना के ऑलरेडी रख रखी हैं। तो पहले वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद उस डब्बे को पहले साफ़ करा जाएगा, उसके बाद इसमें भरी जाएंगी बत्तियाँ। इसमें सारा हवन सामग्री का सामान है, सांभरानी कप है, धूप है, और ये गायत्री हवन है, और ये है धूप बत्तियाँ, इसमें ही काला तिल, जौ, चावल सब कुछ इसमें होता है। और देखिए दोस्तों ये हैं सारी व्रत की किताबें, जैसे सत्यनारायण व्रत है, गोपाल सहस्त्र नाम, साधक संजीवनी, एकादशी, प्रदोष, सत्यनारायण भगवान, चतुर्दशी और चतुर्थी, जितनी भी प्रदोष व्रत वगैरह जितने भी व्रत आते हैं सबकी किताब इसमें रखी रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ को मंदिर में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है। ये है डलिया जिसमें कि हम पूजा के लिए सामान लेके जाते हैं मंदिर वगैरह, और ये है हमारे सत्यनारायण भगवान जो कि हम पूर्णिमा पर पूजा करते हैं, और ये है हमारी बुक स्टैंड, देखा ही होगा अपने नवरात्रि वगैरह में दोस्तों। तो ये है हमारे पूजा का स्टोरेज, जिस तरह से जो है हम सामान ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आजकल दोस्तों जानते हैं अपार्टमेंट्स में जो है स्पेस काफ़ी कम होता है, पर फिर भी हमने इस तरह से जो है अलग से स्टोरेज बना रखा है जिससे कि भगवान का सामान एकदम अलग रखा रहता है। और देखिए ये सारा स्टोरेज है, और ये हमारे ठाकुर जी का बेडरूम है। जैसे सर्दियों में हमारे ठाकुर जी मंदिर में शयन करते हैं, वैसे ही गर्मियों में ठाकुर जी हमारे एसी में शयन करते हैं, क्योंकि सेवा भाव की होती है, निर्मल मन होना चाहिए, साफ़ मन होना चाहिए बस, और ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी जो है गर्मियों में शयन करते हैं यहाँ पर। और ये है हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार सेवा का सामान, जैसे पगड़ी, ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह सारी यहीं रखी रहती है उनकी। तो दोस्तों इनकी वीडियो प्लीज़ मत मांगिएगा, इस तरह से ब्रीफ लुक ले लीजिए एक बार, क्योंकि ये सारे दिन ही फैला रहता है दोस्तों, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो जब ये फैल ही जाता है दोस्तों, कितना भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। और ये मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तुलसी माता, यहाँ पर हमारी तुलसी माता है, देखिए दोस्तों कितना सुकून मिलता है इस जगह पर आके। देख दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन सैटरडे है, क्योंकि संडे को तुलसी माता को जल नहीं देते हैं हम लोग, तो इसलिए हमने जो है आज काफ़ी सारा जल तुलसी माता में दे दिया, क्योंकि गर्मियाँ हैं दोस्तों, तुलसी माता को जो है बहुत झुलस जाती हैं गर्मी में, इसीलिए हमने जो है आज उनको अच्छे से जो है जल दे दिया है। और देखिए इस तरह के हमारे सारे पेड़ हैं जो हमने लगा रखे हैं, प्लांट्स छोटे छोटे ठाकुर जी की सेवा में। और देखिए ये हमारे कृष्ण कन्हैया है दोस्तों, जो साहब तुलसी माता को देखते हैं और तुलसी माता इनको देखती हैं। संध्या का समय हो चुका है, तुलसी माता को जो है दीपक लगा दिया गया है। बहुत लोग क्या करते हैं तुलसी माता के अंदर रख देते हैं दिए को, बहुत गलत बात है दोस्तों, तुलसी माता झुलस जाती हैं, जल जाती हैं, तो ऐसा प्लीज़ आप ना किया कीजिए, साइड में रखा कीजिए दीपक को हमेशा। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है ये दीपक भी। और ये हमारे ठाकुर जी की संध्या आरती, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। संपूर्ण दर्शन करा दिए हमने आपको हमारे मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मंदिर से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं। तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों को नए वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे।